ऑडियो वीडियो क्लियर है पुत्र? गुडलीन लक्ष्य ठीक है बेटा। सो देखो जो आज अपन टॉपिक करना है, लास्ट टाइम अपन ना पीएन डायोड के बारे डिस्कशन की थी सी कि जो पीएन डायोड है वो बेसिकली टू लेयर डिवाइस है, उसकी एक लेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर तो बनी हुई है और दूसरी लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर तो बनी हुई है और ये दोनों लेयर्स नो सूटेबली ज्वाइन किया हुआ है। और ये गल असी ऑलरेडी जानते हैं कि जदों भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स नो सूटेबली ज्वाइन करते हैं तो पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है। हुण वो जिहड़ा पी एन जंक्शन बनता वा उस पी एन जंक्शन की प्रेजेंस के कारण जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। पर जे असी उस जंक्शन के अक्रॉस एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर देने हैं तो वो जिहड़ा पी एन जंक्शन बनया है ना तो उहदे थ्रू नैट फ्लो ऑफ चार्जेस की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। वो डिपेंड करेगा कि अगर असी उस पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड किया कि रिवर्स बायस्ड किया। तो जो असी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग जी अप्लाइड वोल्टेज है वो की करती है कि पी एन जंक्शन से पैदा हुए पोटेंशियल बैरियर को अपोज करती है, उन्हें रिड्यूस करती है, घटाती है, खत्म करती है और उदे नाल ही नेट फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रीली स्टार्ट हो जाता। और वह भी केड़े चार्जेस का फ्लो? मेजोरिटी चार्जेस, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो। तो जिस करके फॉरवर्ड करंट एग्जिस्ट करता और फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन मैं थानू दसी सी फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप। और नाल मैं ये भी दसिया सी उस दिन कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होएगी तो डायोड के विच जो करंट फ्लो करेगा वो फॉरवर्ड करंट होएगा और फॉरवर्ड करंट मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होने करके जो फॉरवर्ड करंट है वो लार्ज अमाउंट फ्लो करता इन मिली एम्पीयर उसकी वैल्यू होंगी है। तो दूसरी तरफ बेटा जदों असी पी एन जंक्शन नू रिवर्स बायस्ड कर दें तो रिवर्स बायसिंग करने की होएगा कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो स्टिल जो है फर्दर राइज करता, मीनस वो हाइट होर बढ़ जाती है जिस करके जो मेजोरिटी चार्जेस है उन्हों का जंक्शन क्रॉस करना पहले नालों भी मुश्किल हो जाता। बट नाल ही साढ़े दिमाग दे विच ये गल होनी चाहिए है, याद रखनी चाहिए है कि जो पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है इन्हों के अंदर माइनोरिटी चार्जेस भी एग्जिस्ट करते। तो माइनोरिटी चार्जेस के लिए बैरियर का कोई रोल नहीं है, रादर बैरियर माइनोरिटी चार्जेस के फ्लो को सपोर्ट करता। तो हूँ बेटा जो रिवर्स बायसिंग के दौरान बैरियर की हाइट होर भी इनक्रीज हो जाती है तो माइनोरिटी चार्जेस के फ्लो के उपर तो कोई फर्क नहीं पैदा। बट जो मेजोरिटी चार्जेस है तो उन्होंने एबसेंस होने करके उन्होंने फ्लो के खत्म होने करके जो माइनोरिटी चार्जेस है उन्होंने फ्लो नैट करंट एसटैबलिश हो जाता और वह नैट करंट में असी रिवर्स करंट बोलते हैं। रिवर्स करंट मेनली माइनोरिटी चार्जेस के फ्लो करके है। रिवर्स करंट की डायरेक्शन हमेशा एन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। और क्योंकि रिवर्स करंट ज़्यादातर माइनोरिटी चार्जेस करके ही है मेनली, इस करके रिवर्स करंट माइक्रो एम्पीयर च होंदा, काफ़ी घट होंदा। और आम तौर पर असी ये कहने हैं कि जो भी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वह कंडक्टिंग स्टेट च है क्योंकि वह एप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ करंट
करता है, और जदों भी डायोड रिवर्स बायस है तो वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट च है, क्लोज्ड, मतलब जो ये नोट कर सकते हैं कि जी फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है वो क्लोज्ड सर्किट की तरह है और जो रिवर्स बायस्ड डायोड है वो ओपन सर्किट की तरह है कि वो दी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होंगी प्रैक्टिकली, बट आइडियल केस दे विच रिवर्स बायस्ड डायोड की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बोलनी है और फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की रेजिस्टेंस जीरो बोलनी है आइडियल केस, बट अदरवाइज उन्हों असी कितना कहना वा, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें नाल थोड़े मार्क्स आएंगे कि जी प्रैक्टिकल डायोड है फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान कंडक्टिंग स्टेट है, लाइक क्लोज्ड सर्किट बिहेव करती है, रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है, बट जे आइडियल डायोड है तो फिर फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान उसकी रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल नहीं, जीरो है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरी तरफ बेटा जी थी एक्चुअल डायोड है, रियल डायोड है, जो रिवर्स बायस्ड है तो रिवर्स बायसिंग के दौरान वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट च है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, और दूसरी गल कि उसकी रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई है। पर जे वो आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड रिवर्स बायसिंग के दौरान उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर रहे हैं। हूँ बेटा अगला पॉइंट की है, देखो कि जी थी डायोड है उसका पी एन डायोड का सिंबल थोड़ा दसिया पी साइड और एन साइड, दिस इज द सिंबल फॉर पी एन डायोड, बट हूँ जो असी टाइप्स ऑफ डायोड की गल करते हैं उन्हां विचों बेटा एक आप गल कर रहे हैं या करन जा रहे हैं एलईडी, एक्चुअली तां इहदे विच ही नाम आ गया, इहनूं लिखण दी लोड़ नहीं है, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल, तो इसके अलावा भी होर भी डायोड्स है बट आपां मेनली इहदे बारे डिस्कशन करनी है। तो देखो हुण बेटा जो लाइट एमिटिंग डायोड है तो उहदे कंसेप्ट नूं समझिए, तो अगर आ समझ आ गया तो फोटो डायोड भी आ जाएगा। देखो बेसिकली की है, माइंड दे विच ध्यान रखो गल नूं कि ये जिहड़े सेमी कंडक्टिंग डिवाइसिस है इन्हां दे अंदर एक है कंडक्शन बैंड और एक है वैलेंस बैंड, और फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन कंडक्शन बैंड, और होल इन वैलेंस बैंड मीन्स दिस वन। हुण जदों गल सुनो पुत्र, जदों भी इलेक्ट्रॉन आपां बोलांगे टर्म यूज करांगे कि इलेक्ट्रॉन होल रीकंबाइन कर गए, इलेक्ट्रॉन होल रीकंबाइन करन दा मतलब की है पुत्र, जदों इलेक्ट्रॉन होल दे नाल रीकंबाइन कर गया उहदा प्रैक्टिकल मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जदों नीचे आया तां उहदा रिजल्ट की निकलिया पुत्र, जदों इस इलेक्ट्रॉन ने नीचे आना और एक्चुअली होल है की है, होल की है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, तो जदों असीं कहने हाँ कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीकंबाइन कर गया तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तो जंप करके वैलेंस बैंड जा गया, तो जदों इलेक्ट्रॉन ने इत्थे आ जाना तो उन्हें इस खाली जगह नूं फिल कर देना, तो हुण इलेक्ट्रॉन उपरों नीचे आन का मतलब है कि उपरों नीचे आए इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी डिक्रीज कर दी। हुण जदों सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली टोटल एनर्जी ने कंजर्व रहना, तो जिहड़ी एनर्जी घट गई है
पॉइंट्स है इन अदर विच एनर्जी डिफरेंस और एक एनर्जी डिफरेंस मेनली कितना होगा गैप के बराबर एनर्जी गैप के बराबर यूजुअली और ये जड़ा फोटोन है यदि एनर्जी ई जी के बराबर होएगी और आ एनर्जी गैप के बराबर और प्लस ये जड़ा फोटोन है अगर आप यदि फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो थानू याद होएगा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन दे विच कि जड़ा फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू दे बराबर होंगी तो इहदा मतलब जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड जंप करेगा असी कहांगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीकंबाइन कर गया जब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर की रीकंबिनेशन होएगी तो इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रिलीज होएगी और उस रिलीज एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एच न्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते तो न्यू की है भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रीकॉम्बिनेशन के कारण जिहड़ी एनर्जी रिलीज हुई है फोटोन की फॉर्म च उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू और ईजी इत की है आ एनर्जी डिफरेंस एनर्जी गैप और एच की है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट सो मतलब मोटे तौर पर ओवरऑल जिहड़ा पॉइंट थानू याद होना चाहिए वो ये है कि जो भी थानू या पढ़ते वक्त नोट्स चो या सुनते वक्त थानू ये पता लगे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीकंबाइन कर गया तो उदा प्रैक्टिकल मीनिंग की है कि एनर्जी रिलीज होएगी क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट जंप किया तो वो जी एनर्जी रिलीज होएगी वो किन्नी होएगी वो होएगी एनर्जी गैप के बराबर बेटा और उस फोटोन की फ्रीकुएंसी असी न्यू इज इक्वल टू एच जी ई जी बाय एच तो निकाल सकते हूँ थानू ई जी की वैल्यू एनर्जी गैप की वैल्यू दिती होएगी बुद्ध अच्छा हूँ हुंदा की है ध्यान दियो जिन्हें भी फोटोन्स है उन्हां विचों जिहड़े लाइट वाले फोटोन्स है वो सानू ह्यूमन बीइंग्स नू नजर आते हैं ते जिहड़े लाइट वाले फोटोन्स नहीं है बाकी फोटोन्स है जिदा थर्मल रेडिएशन दे हीट रेडिएशन दे इंफ्रारेड रेडिएशन दे या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे फोटोन्स है तो ये ह्यूमन बीइंग्स नू नज़र नहीं आते रेंज तो बाहर है तो बेटा हम गल नू याद रखो इसे करके तुसी इसे ही प्लस टू दे विच इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम वाला पोर्शन पढ़िया होया वा कि उहदे विच सिर्फ आपां नू बहुत थोड़ा जिहा पोर्शन ही है जिहड़ा कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव का सानू नज़र आता वा जिहनू असी लाइट बोलते हाँ अपनी लैंग्वेज दे विच भाषा च तो हुण जदों तुसी इस पूरी डिस्कशन नू सुन रहे हैं हुण तुहाडे दिमाग दे विच एक गल की आएगी पुत्तर देखो कि आ एनर्जी गैप जिन्ना ज्यादा होएगा जिन्ना लार्ज होएगा हाई होएगा तो उन्ना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट होएगा तो जिन्ना ये एनर्जी गैप घट होएगा तो उन्नी घट फ्रीक्वेंसी का फोटोन जिहड़ा वा वो एमिट होएगा अच्छा पर जे असी चाहते हाँ कि एमिट होया फोटोन लाइट की फॉर्म च होए मतलब सानू ह्यूमन बीइंग्स नू नज़र आए तो उहदे लई जरूरी है कि उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की टर्म च भी मैं गल कर सकता कि उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एक पर्टिकुलर रेंज च होनी चाहिए हुण वेवलेंथ की टर्म च मेरे लिए यह गल करनी थोड़े नाल सौखी है कि थानू पता ही है पुत्र कि किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उस फोटोन की वेवलेंथ को कितना कट सकते हैं क्योंकि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा c है स्पीड ऑफ लाइट न्यू है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी लैम्डा है उस फोटोन की वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा के आप इतने पुट कर दिए तो c बाय लैम्डा इज इक्वल टू eg बाय h तो लैम्डा इज इक्वल टू h c बाय eg मतलब आज तो बाद अगर थानू कोई न्यूमेरिकल दे विच ये कहे कि जिहड़ा कंडक्शन बैंड है ते वैलेंस बैंड है उन्हां दे विच एनर्जी गैप दी वैल्यू थानू तो दित्ती होए तां तुसीं उस
सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रीकॉम्बीनेशन के कारण पैदा हुए फोटोन की फ्रीकुएंसी भी दस सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और जिदा कि मैं तुम्हें गल दस रहा सी कि किसी भी फोटोन की वेवलेंथ या फ्रीकुएंसी अगर एक पर्टिकुलर रेंज के विच है तो सानू वो फोटोन नज़र आएगा, मतलब असी कहांगे कि लाइट एमिट हो रही है। तो जे उस रेंज तो बियॉन्ड होएगा फोटोन की वेवलेंथ या फ्रीकुएंसी फिर वो सानू नज़र नहीं आएगी। हुण पुत्र हुंदा की है, आम तौर ते जिहड़ी डायोड है वो बनी हुंदी है या तो सिलीकॉन की और या जर्मेनियम की। ज़्यादातर डायोड्स सिलीकॉन दियाँ बनी होंगी, उहदा भी कारण है। जर्मेनियम तो क्यों नहीं बनी हुई है? तो उहदा कारण ये होंगे बेटा कि जिस तरह असी यूनिट नंबर 2 दे विच एक टॉपिक पढ़िया सी कि हर सबस्टांस जो है उसकी कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी टैंपरेचर के नाल चेंज करती है। और आपां सेमीकंडक्टर्स बारे भी पढ़िया सी कि विद द राइज इन टैंपरेचर कंडक्टिविटी इनक्रीज करती है, है ना। तो जिहड़े सेमीकंडक्टर्स है वो दो तरह के आपां मेनली गल करते हैं, सिलीकॉन एंड जर्मेनियम। जिहड़ा पुत जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है उहदी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनक्रीज करती है फॉर स्लाइट इनक्रीज इन टैंपरेचर इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ सिलीकॉन। तो सिलीकॉन के मुकाबले जर्मेनियम की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, मतलब जे टैंपरेचर थोड़ा जहा भी बदल गया तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज करेगी। तो वो एक एडवांटेज तो हो सकती है, बट उसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर टैंपरेचर वेरिएशन हो रही है तो उहदे नाल कंडक्टिविटी फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएगी। इस करके जर्मेनियम तो बने हुए सेमीकंडक्टिंग डिवाइसिस नूं असीं प्रैफर नहीं करते, ज़्यादातर केसिस च सिलीकॉन डिवाइसिस यूज किए जाते हैं क्योंकि सिलीकॉन की जिहड़ी टैंपरेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू है अल्फा की वैल्यू वो कंपैरेटिवली जर्मेनियम दे थोड़ी लोअर है, लैसर है, घट है। तो ये याद रखना। हुण पुत जिहड़ा सिलीकॉन है, सिलीकॉन के अंदर सानू पता कि जिहड़ा गैप है, एनर्जी गैप है 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जे असीं इत्थे ईजी की वैल्यू 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हुण ये गल तुहानू मैं यूनिट नंबर 7 दे विच ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वाले केस च भी दसी हुई है कि जदों असीं एनर्जी तो फ्रीकुएंसी या वेवलेंथ ऑबटेन करनी है तो एनर्जी की वैल्यू जूल च चाहिए। तो जिहड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट तो है बट एसआई नहीं है, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है ना। तो इस कारण करके जो भी थानू एनर्जी या एनर्जी गैप की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है तो सब तो पहला उसनू जूल च कन्वर्ट करो। और उहदे लई थानू पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, है ना। तो ये रिजल्ट्स याद रखना। हुण जो तो मैं कहता कि सिलीकॉन की एनर्जी गैप की वैल्यू 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वह मतलब है कि मैं आ वैल्यू जी गिवन है वह मैं फस्ट ऑफ ऑल जूल च कन्वर्ट करा। जूल च कन्वर्ट करने तो बाद इतने सबस्टिट्यूट करा प्लैंक्स कॉन्सटेंट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैं पता ही है ना। तो एच और सी भी सब्सिट्यूट करके लैमडा निकाल। हुण बेटा लैमडा की वैल्यू सिलिकॉन डायोड के केस के विच जो आएगी वो इंफ्रारेड रीजन च लाई करेगी, मतलब बई सिलिकॉन डायोड के विच जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीकंबाइन होंदा तो जिहड़ा फोटोन पैदा होंदा वो सानू नज़र नहीं आता है ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈ, ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਓਡਸ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਡਾਇਓਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਦੀ ਰੀਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੀਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਾਇਓਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ
कॉम्बीनेशन होए तो जो फोटोन एमिट होए उसकी रेंज इनफ्रारेड की जगह पर लाइट रीजन च आ जाए। ठीक है, तो वो असी जो डायोड्स है वो स्पैशली तैयार करते। तो जिहड़ियां LEDs है वो अलग तरह के स्पैशल मटीरियल्स तो बनिया हुई डायोड्स है, तो कि नॉर्मल डायोड्स नहीं, सिलीकोन तो बनी डायोड नहीं है। पर हुण एक गल होर दस रहा बेटा, ये जी मैं डिस्कशन अच्छे दस रही थानू, ये डायोड्स वाला पोर्शन है उन्होंने समझने लिए थानू प्रिपेयर कर रहा भी इदा सोचना वा, है ना। देखो कि हुंदा की है, मतलब जिहड़ी नॉर्मल डायोड भी है, तो मैं हम देखो पी और एन, तो मैं इस डायोड को बेटा करता फॉरवर्ड बायस्ड। ये फॉरवर्ड बायस्ड, हुण फॉरवर्ड बायसिंग के कारण की होया कि ये जिहड़े मेजोरिटी चार्जेस होल्स है ए आसानी दे नाल इस तरफ जाएंगे एन दी तरफ, और आ जिहड़े मेजोरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है ए एन तो पी दी तरफ आएंगे। हुण होएगा की, तो होएगा ए बेटा जदों ए होल्स पी तो एन दी तरफ डिफ्यूज करेंगे अंडर फॉरवर्ड बायसिंग, और आ इलेक्ट्रॉन्स एन तो पी दी तरफ डिफ्यूज करेंगे अंडर फॉरवर्ड बायसिंग, एट जंक्शन जिहड़ा जंक्शन है तो उत्थे पहुंच के ए आ होल जो इधर पहुंचेंगे तो आ इलेक्ट्रॉन होल पेयर दे रीकंबाइन करन दी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी वो वध जाएगी, मतलब रीकंबाइन करेगा। और दूसरी तरफ जिहड़ा आ वाला इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इलेक्ट्रॉन इतने पहुंच गया कि आ होल इतने आ गया तो ये भी रीकंबाइन करेंगे, तो आ इलेक्ट्रॉन होल पेयर की रीकॉम्बीनेशन के कारण एनर्जी एमिट होएगी। और ज्यादातर जो सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस है क्योंकि वो बने हुए है सिलिकॉन दे, तो सिलिकॉन दे विच एनर्जी गैप थानू दसिया 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उदे कारण जो भी इस नॉर्मल डायोड के विच इलेक्ट्रॉन होल पेयर की रीकॉम्बीनेशन होएगी तो जिहड़ी एनर्जी है वो एमिट होएगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, हीट रेडिएशन। इस करके जिन्हें भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस है वो तुसी देखते हैं कि थोड़ा ऑपरेट करते ही वो दीज डिवाइसेस गैट हीटेड अप, है ना, गर्म हो जाते हैं। तो और इन डिवाइसेस की लॉन्ग लाइफ के लिए उस हीट नू नाल दी नाल डिसिपेट करना भी जरूरी है, मतलब अगर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस तो बने हुए कोई भी अपरेटस डिवाइस है तो अगर वो ज़्यादा देर गर्म रहेगा तो उन्हें डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि कंडक्टिविटी अफेक्ट करेगी। तो इसी करके तुसी जिन्ने भी से लैपटॉप्स है कंप्यूटर्स है तो इन्हां दे विच हीट दी अमाउंट ज़्यादा लिबरेट होंदी है वर्किंग दे दौरान, तो नाल दी नाल इन्हां दे अंदर उस हीट नू डिसिपेट करन दे लई फैन भी प्रोवाइड किया जाता वा ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो, अदरवाइज वो पूरे डिवाइस नू डैमेज कर सकती। तो हुण बेटा कहन दा मतलब इन्नी सारी लंबी सारी डिस्कशन तो बाद जिहड़ी मेन गल निकल के आई कि जदों भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस दे थ्रू करंट फ्लो करेगा तो जदों भी इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को क्रॉस करके एक तो दूसरी साइड पहुंचेंगे तो रीकॉम्बीनेशन के कारण वो एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी एमिट होएगी, और उस एनर्जी दी वैल्यू कितनी होएगी वो थानू दसता, वो आम तौर पर एनर्जी गैप के बराबर होएगी। और उत्थों फिर आपां उस एनर्जी ने कि फॉर्म के एमिट होना फोटोन की फॉर्म च, तो उस फोटोन की फ्रीकुएंसी और वेवलेंथ भी असी निकाल सकते हैं, वो फार्मूलाज मैं इस तो पहला लिख चुका थोड़े सामने।
फिर तुहानू मैं गल दस्सिया सीगा कि जिहड़ी तां नॉर्मल डायोड है जो कि सिलिकॉन की बनी है तो उहदे विच तां इलैक्ट्रॉन होल पेयर के रीकॉम्बीनेशन तो पैदा होंदी एनर्जी ज़्यादातर हीट की फॉर्म च ही होंदी है बट स्पैशली तैयार की हुई डिजाइनड डायोड्स है एल ई डी उहदे विच बेटा असी डिफरेंट मटीरियल जिदा कि गैलियम आर्सेनिक ते फॉस्फोरस दा अलॉय तैयार करके असी ये डायोड तैयार कर सकते हैं एल ई डी तो उहदे विच बेटा जो आर्सेनिक और फॉस्फोरस है ना इन्हां दे कॉन्टेंट्स की रेशो नूं एडजस्ट करके एक्स एक वेरीएबल है कि अगर आर्सेनिक की ज़्यादा अमाउंट लवेंगे तो फॉस्फोरस नूं घटाना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा तो असी वो मटीरियल डायोड तैयार कर सकते हैं जिहदे विच एनर्जी गैप ज़्यादा होगा और ज़्यादा एनर्जी गैप होने का मतलब भी इस खास मतलब इस पर्टिकुलर मटीरियल तो तैयार की हुई डायोड के जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की रीकॉम्बीनेशन होएगी तो जी एनर्जी है वह मेनली लाइट की फॉर्म च होगी ना कि हीट की फॉर्म च तो असं कहेंगे कि ये एल ई डी है लाइट एमिटिंग डायोड और ये जी लाइट एमिटिंग डायोड है वो असी एक्स न वेरी करके बेटा जो रिक्वायर्ड फ्रीकुएंसी या कलर की लाइट ऑबटेन कर सकते हैं ना बट वो एक अलग आसपैक्ट है वो साढ़े मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है वो मीनस असी जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही लैनी है ये बारे और कुछ नहीं नथिंग एल्स तो इस तक समझ आई है गल पुत्र चिराग हर जशन आर्यन गुरलीन लक्ष्य समृत हरमन आर्यन अर्शिया सो हम बेटा जो लाइट एमिटिंग डायोड है एलईडी कादी बनी हुई है स्पेशल मटेरियल दी गैलियम आर्सेनिक एंड फास्फोरस दे अलॉय दी और ये जिहड़ी डायोड है इसने की करना जो भी इसको असी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है तो इन लाइट एमिट करनी और क्यों करनी है क्योंकि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग जो बैरियर दी हाइट दे रिड्यूस होने ते मेजोरिटी चार्जेस ने जंक्शन नु क्रॉस करके वन साइड टू अनदर साइड पहुंचना तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की रीकॉम्बीनेशन होनी है तो उस रीकॉम्बीनेशन के कारण एनर्जी एमिट होगी और ये जी डायोड है क्योंकि ये उत्तर लाइट एमिट करती है तो है डायोड ही बट क्योंकि ये लाइट एमिट करती है तो इसका जो सिंबल है डायोड वाला ही डायोड वाला सिंबल ही है इसका बट नाल एरो पाते हैं ना भी लाइट एमिट कर रही है लाइट एमिटिंग डायोड होता सिंबल हो गया तो लाइट एमिटिंग डायोड ने हमेशा लाइट एमिट करनी है व्हेन इट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड इन्हीं गल लगी समझ आज